भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या इसका यार का। चलो इसको भगा कर देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज एवेंजर की फाइनली फर्स्ट ऑफिशियल राइड होने वाली है। एक्चुअली मैं जा तो किसी काम से रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ एवेंजर पे। इस बहाने मुझे उस बाइक का पता चल जाएगा। फर्स्ट मेरी लाइफ की क्रूजर बाइक है जिसको मैं चलाने वाला हूँ। शोरूम से तो लेकर आया था, लेकिन मतलब खोल के नहीं चलाई, कहीं दूर नहीं लेके गया, रोड पे अभी तक भगाई नहीं है। तो आज उसके अच्छे से टेस्ट करेंगे और देखते हैं किस तरीके की बाइक है। मतलब क्रूजर बाइक बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम लाइफ में चलाऊंगा। इससे पहले मैंने कोई क्रूजर बाइक नहीं चलाई। मेरे पास वो थी जो रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड आती है, बट एवेंजर जो है बिल्कुल रोड से चिपक के चलती है। मतलब एक प्रॉपर क्रूजर बाइक है, उसके मजे लेंगे और आपसे शेयर करूंगा एक्सपीरियंस। जाना किसी काम से है, 50-60 किलोमीटर की राइड हो जाएगी, मजे मार के आते हैं। तो चलो चलते हैं। कैमरा के अंदर मैं देख रहा हूँ भाई, रोड से मेरी नजर ही हट गई। सबसे पहले ध्यान यही जाता है कि व्यू कैसा आ रहा है। वैसे कैमरा में फ्रेम तो यार एक नंबर लग रहा है, ऐसे लग रहा है हार्ले डेविडसन का कुछ चला रहा हूँ। बट भाई अभी तो फिलहाल अपनी एवेंजर है, लेकिन ये भी एकदम से आई है। ऐसे ही आपको नए नए सरप्राइजेस एकदम से मिलने वाले हैं। अगला सरप्राइज थोड़ा बड़ा होगा। मैंने यहाँ से कैमरा ऑन करा क्योंकि भाई पीछे रेड लाइट पर इतना जाम था, इतना ट्रैफिक, ऊपर से धूप हो रही है बहुत तेज़। और ये ना आफ्टरनून है, मतलब स्कूल की छुट्टी हो रही है ना, तो कैब वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा खाली रोड आएगा वहाँ पर कैमरा ऑन करता हूँ और आपसे थोड़ा सा साथ के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसी चल रही है लाइफ में। पहली बार मैं एवेंजर चला रहा हूँ। ये कंफर्टेबल है काफ़ी और स्मूथ भी है। ये नहीं पता कि ये स्पीड वगैरह कितनी जाती है, इसकी टॉप स्पीड वगैरह, वो भी धीरे धीरे सब ले आऊँगा आप लोगों के सामने। एक क्रूज़र बाइक के हिसाब से तो मतलब अच्छी है, पिकअप वगैरह भी ठीक है। जैसे मैं हिमालयन चला रहा था ना, उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है यार। वो एकदम ऊँची ऐसे लगता है भाई, और ये एकदम ज़मीन से लगी हुई। बाकी मज़ा आ रहा है इसको चलाने में, आप लोगों को मज़ा आना चाहिए मतलब सामने देखने में। इसमें से बढ़िया अब इस पर भी बहुत कुछ करवाएंगे, मॉडिफिकेशन वगैरह देखते हैं एवेंजर की कैसी मॉडिफिकेशन मिलती है, क्या मिलता है। क्रूज़र बाइक है, क्रूज़र बाइक में तो काफ़ी कुछ आता होगा यार, इसको और भी ज़बरदस्त बना देंगे भाई। मुझे एक चीज़ बढ़िया लगी है बजाज की, और एक चीज़ बेकार भी लगी है। मतलब इन्होंने कुछ भी अपग्रेड नहीं करा यार इतने सालों में, वही बटन्स, वही सिंपल सब कुछ। लेकिन एक चीज़ बढ़िया ये लगी है कि जैसे ये बाइक ली है तो इसके अंदर विंडशील्ड, लेग गार्ड, मतलब मिरर्स भी देखो लुक वाइज अच्छे हैं, और बैक सपोर्ट जो होता है सीट का, बैक रेस्ट, ये सब चीज़ें लगी लगाई मिली हैं भाई। अगर यही हम कोई और बाइक लेते हैं और उसके अंदर लगवाते हैं तो कितना खर्चा आता है यार इन चीज़ों का। और हाँ, ऐसा भी नहीं कि इसका बहुत ज़्यादा चार्ज कुछ इंक्लूड है, मतलब अगर आप बाद में दोबारा भी लेते हो तो ये चीज़ें ज़्यादा कॉस्टली नहीं है शोरूम से। मतलब पार्ट्स इस बाइक के सस्ते हैं भाई, ज़्यादा मेंटेनेंस वाली बाइक है नहीं। प्राइस काफ़ी बड़ा है बाइक का पहले से, पहले बहुत सस्ती आती थी, अभी ये ऑन रोड 170,000 की पड़ी है। भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या इसका यार क्या मज़ा आ रहा है इसको यार ऐसे मोड़ने में, मज़ेदार यार, ज़बरदस्त चलती है भाई यार। ये तो एकदम ऐसे है मस्त, मतलब सोफे पे बैठ के और चलाते जाओ बस। मेरा तो मन कर रहा है इसका जो हैंडल है ना, इसको मैं और ऊंचा यहाँ करा लूँ बिल्कुल अपने सामने, और मज़ा आ जाएगा। इसका मैंने टैंक फुल करवाया था, अब फुल करवाया था वो मैंने वीडियो तो नहीं बनाई, तो जब ये फुल टैंक हमारा खाली होगा तो मैं आपको एक आइडिया दे दूँगा कितनी चली है फुल टैंक में। यार इसमें पैर वगैरह, सीटिंग पोस्चर एक नंबर है भाई इस बाइक में, एक नंबर। जब कुछ अच्छा सा रोड आएगा ना तब हम इसको एक बार भगा कर चेक करेंगे। इस रोड पे तो बहुत जाम होता है, देखो यहीं से दिख रहा है भाई, आधा घंटा का ट्रैफिक होगा। मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, इतनी गर्मी में ना, इतने रश में मन नहीं करेगा कुछ बोलने का। भाई ट्रैफिक में भी अच्छे से चला लिया बाइक, बस एक चीज़ है, अगर हमें कट लेना होता है जैसे हमने यू टर्न लेना है कुछ, वो इस बाइक की कटिंग बहुत लंबी है। मतलब अगर आप अपनी गली में मोड़ रहे हो ना, एक दो बार बैक करके तब मोड़नी पड़ेगी। क्रूज़र बाइक है, मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, हो सकता है कटिंग ऐसे ही होती हो, हार्ले में भी ऐसे ही हो कुछ, मुझे इतना इस चीज़ का आइडिया है नहीं। आप लोग सोच रहे हो कि अगर 170,000 की बाइक ली है तो 2.5 लाख रुपए तक में तो हार्ले सेकेंड हैंड आ जाती है, क्रूज़र लेनी थी तो वो भी ऑप्शन था। बट यार उसके अंदर ना दो चीज़ें थी, एक तो वो सेकेंड हैंड हो जाती हैं और मैंने करनी थी पापा को गिफ्ट, और मेरा जो बजट है ना वो न्यू बाइक हार्ले का तो था नहीं, इसलिए मैंने एवेंजर को चूज़ करा हार्ले की जगह। मेंटेनेंस फ्री बाइक है, और जो बाइक पहले कभी नहीं चलाते तो अगर एकदम से हैवी बाइक चलाएंगे तो उनको भी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये हल्की फुल्की बाइक है आराम से चला लेंगे। 80 तक में भी बाइक में कोई वाइब्रेशन नहीं आई है, थोड़ा सा रोड मिला तो मैंने कहा चलो इसको भगा कर देख लेते हैं। हाँ 90 पे हल्की वाइब्रेशन फील हो रही है, 92-93 तो ईज़िली जा रही है। अभी हम दो जने बैठे हैं यार, और दोनों ही हम हैवी वेट हैं,
ओ भाई स्पीड कैमरा आ गया, कट जाएगा भैया, धीरे हो जाओ। यार आप लोग सोचोगे ना कोई पोस्ट डाली ना कुछ बताया, बाइक की डिलीवरी ले ली कैसे, एकदम से सब कुछ प्लान हुआ और कुछ ऐसा हुआ कि हाँ भाई फटाफट से ले लेते हैं। आप लोग भाई अपना प्यार दोगे तो यूट्यूब के थ्रू इसके इंस्टॉलमेंट्स भी कंप्लीट हो जाएंगी। बड़े कुछ आगे अभी सपने पूरे करने हैं, तो ये तो छोटी छोटी सी एक शुरुआत होती है कि हाँ मुझे पापा को गिफ्ट करनी थी तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं बाइक। अब आगे कुछ सपने और पूरे करने हैं, लेकिन वो सब आप सबके थ्रू हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का प्यार मिलेगा वीडियोज़ में भाई तब भी, देखो यूट्यूब से तो अर्निंग तब भी हो सकती है। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना और ज़्यादा इस बारे में सोचना नहीं है, बस आप लोग अपना प्यार दो, मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगा, नए नए सरप्राइजेस लेकर आता रहूँगा और ट्राई करूँगा कुछ नया 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 ही आप लोगों को दिखाता रहूँ। आप बीच बीच में म्यूज़िक का मज़ा ले लो, मैं थोड़ी सी इसके राइड का मज़ा ले लेता हूँ। फर्स्ट टाइम आपको पता है बाइक चलाओ तो भाई कैसे वाली खुशी होती है, ऐसे नहीं है बाइक बहुत महंगी है सस्ती से मतलब नहीं है, कोई भी चीज़ हो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होगे तो भाई अलग ही उसका मज़ा होता है यार। गाइस थोड़ा सा मौसम बेटर हो गया और रोड भी देखो कितने मस्त आ गए हैं, इधर देखो फ्लाईओवर, भाई यही तो मुझे चाहिए था टर्न करने के लिए एक बढ़िया सा। अगर इसके ऊपर मोटो ब्लॉगिंग का फ्रेम बढ़िया आया ना, मैं इस बाइक पर ज़्यादा घूमने वाला हूँ हिमालयन को छोड़कर, जब तक सुपर बाइक नहीं आ रही तब तक। और आगे आने वाला है फिर से ट्रैफिक वाला रोड, एक्चुअली हमारी एक छोटी सी मीटिंग थी वो हो गई है कंप्लीट, अब हम जा रहे हैं वापसी जिस रूट से आए थे। 31 किलोमीटर बाइक हो चुकी है, आई थिंक 27 किलोमीटर पे हमने वापसी का टर्न लिया था, तो वही 52 किलोमीटर की हमारी एक राइड हो गई छोटी सी। बाइक का एक्सपीरियंस शेयर हो जाएगा आप लोगों के साथ और मेरी फर्स्ट राइड है तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आई होप आपको भी आ रहा होगा। देखो इस व्लॉग में ज्यादा कुछ वैसे बात नहीं कर पाऊंगा, आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा, बाइक से रिलेटेड ही सारा कुछ था और मैं इसमें क्या ही बात करता, क्योंकि मैं खुद बाइक को चलाने में भाई इतना ऐसे हो गया था कि और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और मुझे तो बाइक चलाने में बहुत अच्छी लगी है। और मैंने एडिटिंग में जो देखा ना, मुझे फ्रेम वगैरह सब कुछ अच्छा लगा है और वॉइस भी क्लियर ही आ रही थी, तो आई होप आपको भी मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखता हूँ, सारा कंटेंट बाइक का था। अब आप बताना आपको इसी तरीके के बाइक के कंटेंट ही चाहिए या फिर मिक्स करके लाऊं, तो कमेंट करके जरूर बता देना, अपना प्यार जरूर देना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए नमस्ते सत श्री अकाल।